हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेशन नंबर 1 उनसा रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन आज बात करेंगे मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां। पिछली क्लास में अपन ने सार्थक अंक के बारे में बात की थी। उससे पहले अपन ने मापन को स्टार्ट किया था, जहां पर परिशुद्धता तथा यथार्थता के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां। देखिए बेटा, जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं, बात कर ली थी अपन ने, इसकी बात करेंगे अपन। जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं, जैसे अपने पास में कौन कौन को ही लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, ठीक है, ताप हुआ, इन सब का जो मापन होता है वो अपने भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक ही पद्धति से किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुए, मानक इकाइयों की खोज की गई या मानक इकाइयां सामने रखी गई कि ये नहीं, इस भौतिक राशि के लिए ये इकाई यूज कर सकते हैं या ये पद्धति अपन यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसके लिए काफी कुछ मंथन हुआ और 1960 में, कब की बात है बेटा ये, 1960 में कौन सा एसआई पद्धति, इसकी बात कर रहे हैं अपन, एसआई पद्धति का विकास हुआ, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टेमी इंटरनेशनली एसआई पद्धति, और इसी के अनुसार सभी भौतिक राशियों की इकाइयों का निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ समय समय पर अपने पास में एक तो बात हुई कौन सी पद्धति, एमकेएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति, एक एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति, एफपीएस पद्धति, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, एफपीएस पद्धति। इन पद्धतियों के बारे में बात हुई, परंतु वर्तमान में कौन सी प्रचलित है, एसआई पद्धति। थोड़ा इनकी बात कर लेते हैं अपन। एमकेएस पद्धति में क्या है, तीन चीजें अपने पास में, एक तो द्रव्यमान, सॉरी लंबाई, क्या है, एक तो है लंबाई, एक है आपके पास में द्रव्यमान और तीसरा है आपका समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन पद्धतियां हैं, ध्यान दो। इसमें लंबाई को अपन ने किसमें मापा बेटा, मीटर में, इसमें मापा अपन ने मीटर में, किसमें मापा, मीटर में। द्रव्यमान उसमें आपा अपन ने किलोग्राम में, केजी में, उसमें आपा किलोग्राम में, और समय को किसमें मापा अपन ने, सेकेंड, इसमें आपा सेकेंड। फिर आपके पास में कौन सी पद्धति बात करें अपन, सीजीएस, इसकी बात करें सीजीएस, तो लंबाई किसमें मापा अपन ने, सेंटीमीटर में, इसमें मापा सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किसमें मापा अपन ने, ग्राम में, इसमें मापा ग्राम में, और समय को समय किसमें मापा, सेकंड में। कौन सी पद्धति हुई, सीजीएस पद्धति, कौन सी पद्धति हुई, सीजीएस पद्धति। फिर बात करते हैं एफपीएस, इसकी बात करते हैं एफपीएस, जो लंबाई है उसको किसमें मापा, फुट में, फिट, इसमें मापा अपने फिट में मापते हैं, और द्रव्यमान इसमें मापा पाउंड में, POUND, पाउंड, राइट, और समय समय किसमें मापा, सेकेंड। ये भी ध्यान रखना आप, द्रव्यमान को अपन मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, फिट में माप सकते हैं, लंबाई को द्रव्यमान को केजी में, ग्राम में और पाउंड में। तो एमकेएस मीटर, केजी और सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और एफपीएस फिट, पाउंड और सेकेंड। परंतु वर्तमान में कौन सी पद्धति प्रचलित है, एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति ने क्या दिया अपन को, 7 मूलभूत इकाइयां, क्या दी बेटा, 7 मूलभूत इकाइयां, क्या दी, 7 मूलभूत इकाइयां, क्लियर, डाउट है, 7 मूलभूत इकाइयां, और इन्हीं इकाइयों के आधार पर दुनिया की जितनी भी भौतिक राशियों की इकाइयां हैं उनका निर्माण हुआ है।
इन सात मूलभूत इकाइयों का ही प्रयोग किया जाता है अन्य इकाइयां निकालने में। क्लियर। अब ये कौन कौन सी है? सात मूलभूत इकाइयां। इसके आधार पर एसआई पद्धति के आधार पर, इसके आधार पर बेटा एसआई पद्धति के आधार पर। तो देखिए कौन कौन सी अपन सात मूलभूत इकाइयों की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो भौतिक राशि, इसकी बात करेंगे अपन भौतिक राशि। एक तो है अपने पास में लंबाई, इसको अपन किसमें लिखते हैं लीटर, एल से लेंथ। क्लियर। दूसरा है अपने पास में द्रव्यमान, इसको अपन किससे लिखते हैं एम, एम का मतलब क्या होता है मास, राइट। तीसरा अपने पास में समय, समय को अपन किससे लिखते हैं स्मॉल टी, टाइम। फिर आता है अपने पास में ताप, ताप किससे लिखते हैं कैपिटल टी, ये क्या है टेम्परेचर, राइट। फिर आता है अपने पास में कितने होंगे, चार, एक दो तीन और चार, तीन लिख देते हैं अपन भौतिक राशि, भौतिक राशि, राइट। नंबर पांच, पांच में क्या होगी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको अपन किससे लिखेंगे स्मॉल एन से। क्लियर। फिर नंबर छह पे क्या आएगी विद्युत धारा, विद्युत धारा किससे लिखेंगे अपन इसको आई से, लिखेंगे आई से। और नंबर सात है प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता किससे लिखेंगे अपन आई वी से, लिखेंगे आई वी से, राइट। अब देखिए इनके मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई। अब देखो लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, क्या बेटा मीटर, इसको किसमें लिखते हैं स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम, क्या बेटा किलोग्राम, इसमें लिखते हैं इसको केजी में। ये सब कौन सी मात्रक है एसआई पद्धति के अनुसार सात मूलभूत मात्रक। समय, इसमें लिखते हैं अपन सेकंड में, इसमें लिखते हैं सेकंड के लिए क्या यूज में लेंगे अपन एस। टाइम, इसमें लिखते हैं अपन केल्विन, लिखते हैं बेटा केल्विन, वो क्या है आपका के, राइट। पदार्थ की मात्रा, इसमें लिखते हैं अपन मोल, वो क्या हो जाएगा एम ओ एल, लिखते हैं एम ओ एल, जब लिखते हैं तो एम ओ एल ई। विद्युत धारा एम्पियर, इसमें होती है एम्पियर, इसे लिखते हैं ऐसे या एएमपी से भी लिख सकते हैं इसको। प्रकाश तीव्रता कैंडला, वो किसे लिखते हैं अपन सी डी, राइट। तो ये अपने पास में क्या है सात मूलभूत मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रकाश तीव्रता का कैंडला। इससे क्या लिखते हैं ये आपको याद होना चाहिए, यहां तक क्लियर है। अब इनकी सहायता से अपन क्या करेंगे कुछ व्युत्पन्न मात्रक, क्या मैंने बेटा इसकी बात करेंगे अपन व्युत्पन्न मात्रक। देखिए इधर, देखिए इधर व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाइयां, देखो इधर व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी से बनी हुई, किसी से बनी हुई। तो कैसे व्युत्पन्न का मतलब किसी से बनी हुई, किससे बनेगी मूलभूत इकाइयों से, किससे बनेगी मूलभूत इकाइयों से। जैसे बात करूं मैं आपका क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल किसे लिखते हैं कैपिटल एस है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई मीटर में चौड़ाई मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर बात करें अपन किसकी आयतन,
इसकी बात करें आयतन किसे लिखते हैं अपन, कैपिटल वी, तो क्या हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों किसमें मापते हैं अपन मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। फिर बेटा आगे बात करते हैं अपन किसकी, घनत्व की बात करते हैं, घनत्व घनत्व को लिखते हैं डी से, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का मात्रक क्या है केजी, आयतन का मात्रक क्या है मीटर क्यूब, तो डी बराबर क्या हो जाएगा केजी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा मीटर माइनस क्यूब। क्लियर, इसका मात्रक हुआ ये घनत्व का, किसका हुआ घनत्व का। अब देखो आगे इनको मिटा दूं, देखिए इधर और मात्रक देखते अपन कौन से, व्युत्पन्न मात्रक, जैसे अपन बात करें चाल या वेग, चाल या वेग इसको लिखते हैं स्मॉल वी से, क्या होती है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय। अब दूरी एक तरह से क्या होगी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, और समय का मात्रक क्या हो गया सेकेंड, तो इसको क्या लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स, क्या लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए बल क्या है, बल तो बल को अपन कैसे लिखते हैं, बल का जो मात्रक होता है बल को तो लिखते हैं अपन एफ से, एफ बराबर होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल। क्लियर, और इसको कैसे लिखते हैं अपन बल बराबर इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन, क्या होता है बेटा न्यूटन एन, राइट। तो यहां पर बल बराबर होता है एफ बराबर एम इंटू ए, क्या होता है एम इंटू ए, एम क्या है द्रव्यमान, एम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण, ए क्या है त्वरण, राइट। और त्वरण क्या होता है वेग बटा समय, क्या होता है वेग बटा समय। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा केजी, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर सेकंड माइनस, नीचे भी क्या है सेकंड, तो सेकंड कितना जाएगा माइनस टू, और इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन। इसका मात्रक हुआ बल का मात्रक, इसका मात्रक हुआ बल का मात्रक, वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकंड माइनस टू, जिसको क्या कहा न्यूटन, राइट। फिर बात करते हैं अपन किसकी, दाब की, इसकी बात करते हैं बेटा दाब की। देखो इधर दाब होता है प्रेशर, दाब क्या होता है प्रेशर पी, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो देखो बल क्या लिखा था केजी मीटर सेकेंड माइनस टू बटा मीटर टू, सही है, भला क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले केजी मीटर सेकेंड माइनस टू, और इसे क्या लिखेंगे अपन मीटर टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू, जिसको अपन कहेंगे पास्कल, क्या कहेंगे बेटा इसको पास्कल। क्लियर बेटा, अब आता है आपका कार्य या ऊर्जा, इसकी बात करेंगे अपन कार्य या ऊर्जा, तो देखिए कार्य या ऊर्जा, ठीक है कार्य को तो लिखते हैं अपन डब्ल्यू से, ऊर्जा को लिखते हैं अपन ई से, डब्ल्यू वर्क ई एनर्जी, राइट। तो ये क्या होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब दूरी, एकांक दूरी या किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लगाया गया बल, और बल का मात्रक अपन ने क्या लिखा था केजी मीटर सेकेंड माइनस टू इंटू मीटर,
क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, इसको क्या कहेंगे अपन जूल, क्या कहेंगे बेटा इसको जूल। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ जूल। अब बात करते हैं अपन किसकी, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। तो देखिए बेटा विद्युत आवेश I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, I क्या है विद्युत धारा, I क्या है विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या। तो यहां पर इसे क्या हो जाएगा कूलाम, क्या होता है कूलाम बटा समय या सेकेंड, क्या कहेंगे अपन एम्पियर, क्या कहेंगे एम्पियर। क्लियर। तो क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं जो आपकी क्या मूलभूत इकाइयां हैं इनकी सहायता से अपन व्युत्पन्न इकाइयों के मात्रक ज्ञात करते हैं। ले बेटा तो आज की क्लास में अपन ने मूलभूत इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयों के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आए होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।